हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस आज हम जिस डॉग के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज डॉबरमैन पिंचर। सारी डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस डॉबरमैन की बात की जाए तो उसकी हिस्ट्री से बात करेंगे। डॉबरमैन बेसिकली एक जर्मनी की ब्रीड है जहाँ पे कार्ल फ्रीडरिक लुईस डॉबरमैन नाम के बंदे ने इसको ब्रीड कराया था, क्योंकि वो बंदा खुद एक टैक्स कलेक्टर था जो कि डेंजरस जगहों पे जाके टैक्स कलेक्ट करता था, डेंजरस एरियाज में जाके टैक्स कलेक्ट करता था, जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन के लिए गार्ड डॉग्स की जरूरत थी। इसीलिए उसने डॉबरमैन जैसे डॉग को ब्रीड कराया। और डॉबरमैन ब्रीड किस तरीके से आई ये चीज़ अभी तक रिसर्चेज ने प्रूफ नहीं की। लोग सिर्फ अंदाजे लगाते हैं कि भाई रॉटवाइलर और जर्मन पिंचर का क्रॉस है डॉबरमैन, लेकिन इस चीज़ का भी कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा है भी कि नहीं। सो गाइस डॉबरमैन बेसिकली जैसी भी ब्रीड है, आई रिकमेंड कि भाई गार्डिंग प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़बरदस्त ब्रीड है। पुलिस में भी यूज़ हुई है, गार्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं प्रोफेशनल अपने बिजनेस को प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनको डॉग्स चाहिए, डॉबरमैन इज़ द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि ये एक लार्ज साइज गार्ड डॉग है जो कि लीन मसल है और लंबी टांगों वाला होता है। और अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये वर्ल्ड में 8th मोस्ट फास्टेस्ट डॉग ब्रीड इन द वर्ल्ड। और इसकी जो सबसे खास बात ये होती है कि ये बहुत दूर तक सुन सकता है, इसके कान बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, इसकी जो हेयरिंग सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा दूर से ये चीज़ों को सुन सकता है। सो गाइस डॉबरमैन बेसिकली एक मीडियम टू लार्ज साइज डॉग ब्रीड है। तो अगर आपका घर छोटा है, आप अपार्टमेंट में रहते हो, तो डॉबरमैन ब्रीड को आप नहीं रख सकते। डॉबरमैन को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और आपका घर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जहाँ पर वो चल फिर सके, भाग सके, ताकि उसको जो डेली उसकी एक्सरसाइज की रूटीन है वो मिले और वो बीमार ना हो। अगर आप उसको छोटी जगह पे रखोगे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, यहाँ या तो फिर वो एग्रेसिव हो जाएगा। सो गाइज इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपका घर छोटा है तो आप डॉबरमैन मत लेना, कोई टॉय ब्रीड ले लो। अगर आपका घर बड़ा है और गार्डिंग के लिए डॉग चाहिए तो डॉबरमैन पिंचर इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। डॉबरमैन बेसिकली 68 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होता है और 40-45 केजीज का वेट होता है एक अडल्ट मेल का, फीमेल का थोड़ा कम होगा। और गाइज इसको सोशलाइज कराना फैमिली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी फैमिली को पहचाने और सिर्फ स्ट्रेंजर्स पे अटैक करें अगर आप इसको अपने घर में रखना चाहते हैं तो। सो गाइस डॉबरमैन बेसिकली ट्रैकिंग के लिए, हंटिंग के लिए यूज़ होता था। और जो प्रॉब्लम डॉबरमैन में नज़र आई है वो है हिप डिस्प्लासिया। ये प्रॉब्लम जर्मन शेपर्ड में भी है, डॉबरमैन में भी नज़र आती है। तो जब भी आपने डॉग परचेस करना है इस चीज़ का ख्याल रख लेना, अगर इस डॉग में ये प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉपर तरीके से गार्डिंग नहीं कर सकेगा, भाग नहीं सकेगा, जंपिंग नहीं कर सकेगा, हंटिंग नहीं कर सकेगा, जो भी चीज़ आप उससे कहोगे। क्योंकि अगर उसकी पिछली टांगों में मसला होगा, तो उसको प्रॉब्लम होगी चीज़ें करने में और आपको डॉग रखने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप जब भी खरीदने जाओ इस चीज़ को ज़रूर देख लेना, ये प्रॉब्लम डॉबरमैन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो गाइज अगर तो आपकी बड़ी प्रॉपर्टी, आप एक बड़े घर में रहते हो और आपको गार्डिंग के लिए डॉग्स चाहिए, तो आई रिकमेंड यू आप दो डॉबरमैन लेके आओ और वहाँ छोड़ दो। एक पेयर ले लो, या तो दोनों मेल ले सकते हो, दोनों फीमेल्स ले सकते हो, बट आई रिकमेंड यू एक पेयर ले लो ताकि गार्डिंग प्रोस्पेक्टिव से आपका घर टोटली सेफ हो जाएगा, कोई बंदा कहीं पे भी एंटर नहीं हो सकता अगर आपने डॉबरमैन रख लिए तो। सो गाइस डॉबरमैन का आपको बताता चलूं कि एक शॉर्ट कोट डॉग ब्रीड है, इसका कोट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। और डॉबरमैन बेसिकली 6 कलर्स में आता है, तो कभी ये मत सोचना कि डॉबरमैन जो है एक ही कलर में होता है दैट इज़ ब्लैक एंड ब्राउन। डॉबरमैन बेसिकली 6 कलर्स में आता है, दैट इज़ रेड, फॉन, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। सो गाइज ये कलर हैं जो डॉबरमैन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो कभी ये मत सोचना कि डॉबरमैन सिर्फ ब्लैक एंड ब्राउन कलर में ही आता है, डॉबरमैन के और भी कलर्स होते हैं। सो गाइज दिस वॉज समथिंग अबाउट डॉबरमैन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। लव यू ऑल।